हेलो सो वी आर रिवाइजिंग ग्रेविटेशन चैप्टर इन द लास्ट लेक्चर वी वी डिस्कस्ड अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम लोग सीख रहे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सॉलिड स्फेयर का हमारा आया था इन केस ऑफ सॉलिड स्फेयर वी का जो फॉर्मूला है वो है माइनस जी एम थ्री आर स्क्वाइनस आर स्क्वायर वेर स्मॉल कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फेयर है कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर एंड स्मॉल आर क्या है वो इन सेंटर uh, से डिस्टेंस है ठीक है ये किसके लिए है इनसाइड के लिए इनसाइड के लिए इनसाइड केस के लिए मींस जब आप अंदर में किसी पॉइंट ऐसे अंदर इंटरनल किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हो तो तो इसमें बेटा अगर हम सेंटर पर निकालना चाहते हैं तो एट सेंटर एट सेंटर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो देखो v सेंटर क्या आ जाएगा माइनस जी कैपिटल टू आर क्यूब और थ्री आर स्क्वायर स्क्वायर ठीक है आर आर स्क्वायर गेट्स कैंसल माइनस थ्री जी एम बाय टू आर ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट सेंटर और सरफेस पर आपका क्या हो जाता था वी एट सरफेस वो था आपका माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर और एट आउटसाइड पॉइंट क्या था आउट माइनस जी एम बाय स्मॉल आर तो अगर आप इसका वेरिएशन देखना चाहते हो है ना ग्राफ के ऊपर इस एक्सिस पर अगर आपने वी ले लिया और इस एक्सिस पर आर ले लिया है ना तो आप देखो पहले कितना था आपके पास जब सेंटर पे थे माइनस थ्री जी एम बाई टू आर तो माइनस थ्री जी एम बाय टू आर है ना ज्यादा नेगेटिव थे सरफेस पे आकर के आप क्या हो गए माइनस जी एम बाय आर माइनस जी कैपिटल एम बाय आर ठीक है तो ये है जीरो ये है आर इक्वल्स टू आर तो आपने क्या देखा यहां से आप क्या हो रहे हो ऐसे गए और फिर आपका क्या होगा इस तरीके से घटते घटते इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा जीरो तो वी और आर का वेरिएशन इन केस ऑफ सॉलिड स्फेयर इस तरीके से होगा ओके वेल आरी बात समझ में चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग यूनिफॉर्म रिंग की वजह से अगर निकालना हो ठीक है तो कैसे निकालोगे तो ये मान लो आपका रिंग है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और समझो कि इस एक्स डिस्टेंस पर आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है ठीक है तो इस डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं स्मॉल आर कह सकते हैं स्मॉल तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा स्क्वायर रूट आर जाएगा तो वी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर अगर इस रिंग पर टोटल मास कैपिटल हो तो माइनस जी एम वैल्यू क्या है स्क्वायर ठीक है तो इस तरीके से आप रिंग की वजह से किसी एक्सियल पोजिशन पर पोटेंशियल निकाल सकते हो ठीक है सेंटर पर क्या हो जाएगा बेटा वी एट सेंटर एक्स जीरो हो जाएगा तो बच जाएगा क्या माइनस जी एम कैपिटल आर ठीक है तो आप एक रिंग की वजह से इस तरीके से पोटेंशियल निकाल सकते हो ओके बच्चों अब हम बात करेंगे तो अभी हमने क्या सीखा दो चीजें सीखा वही ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनके बीच में क्या रिलेशन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में तो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक है तो ये रिलेशन होता है डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर ठीक है डीवी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इसमें डीवी क्या है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है ठीक है माइनस ई डॉट डी आर अगर यहां पर आपने ई e निकालना चाहा तो ई e कैसे निकाल सकते हो बेटा माइनस सॉरी इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलेगा माइनस डी वी बाई डी आर ठीक है यानी कि अगर आप पोटेंशियल फंक्शन को है ना पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट करते हो ठीक है डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल थ डिस्टेंस गिवस फील्ड तो आपको क्या मिल जाता है फील्ड मिल जाता है, है ना माइनस डी वी बाई डी आगर आपको सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए तो आप क्या कर सकते हो उसको माइनस डी भी बाई डी एक्स कर सकते हो वाई कंपोनेंट चाहिए आप क्या कर सकते हो माइनस डी भी बाई डी वाई कर सकते हो जेड कंपोनेंट चाहिए आप क्या कर सकते हो माइनस डी वी बाय डी जेड कर सकते हो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट कर लेंगे जो फाइनल होगा e, वो कैसे लिखा जाएगा कैप ठीक है तो इस तरीके से आपको नेट फील्ड मिल जाएगा अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो पोटेंशियल का फंक्शन दिया रहे तो आप फील्ड निकाल सकते हो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्लियर है मेरी बात अब हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो याद करो हमने क्या पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी ठीक है इन्फिनिटी टू एनी फील्ड एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा तो बेटे हमारे पास v इक्वल्स टू आया था न? v इक्वल्स टू आया था डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कहां से कहां तक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में है ना किसको m मास को है ना यही हमारा पोटेंशियल था तो बेटे यहां से आप समझ सकते हो कि अगर आपको डन चाहिए एक्सटर्नल के द्वारा तो आपको क्या करना पड़ेगा न? क्या करना पड़ेगा एम इंटू वी करना पड़ेगा है कि नहीं क्या करना पड़ेगा एम इंटू वी करना पड़ेगा और आपको पता है बेटा कि जो आप वकडन करते हो डेल्यू वो इसके बीच में क्या रिलेशन होता है वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है और माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटरनल बोल लो या कंजर्वेटिव बोल लो है ना ये रिलेशन होता है ठीक है तो इस हिसाब से आपका जो चूंकि वर्कडन बाय एक्सटर्नल फोर्स आपको मिला हुआ है तो ये सीधा क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा ठीक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, भी क्या होता है तो एम इन टू एक पॉइंट मास को लाने में इंफिनिटी से कितना लगा था बेटा माइनस जी एम बाय आर लगा था तो देखो क्या फॉर्मूला निकल कर आ रहा है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन

एक मास है एम टू इसके बीच की डिस्टेंस आर है तो इसके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी है तो भाई माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो ये किसके लिए है बेटा टू पॉइंट टू पार्टिकल सिस्टम के लिए टू पार्टिकल सिस्टम लेकिन हमेशा टू पार्टिकल सिस्टम रहे जरूरी नहीं है ठीक है अगर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम हुआ तो क्या करेंगे तो वही फॉर uh, मल्टीपल multiple masses, मल्टीपल मास सिस्टम ठीक है तो आपको क्या करना है जैसे कि मान लो एक ऐसा है एम वन एम टू एम थ्री इसका मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो क्या करोगे बेटा इसके इसके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम वन एम टू कितना है माइनस जी एम टू एम थ्री बाय फिर इसके इसके बीच में भी होगा माइनस जी एम वन एम थ्री बाय एल सिंपल सा याद रखना है बेटा कि जितने मासेस के पेयर बनेंगे है ना हर एक के बीच में क्या होगा पोटेंशियल होगा ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो मल्टीपल मास सिस्टम में निकाल सकते हो अगर स्क्वायर स्क्वायर हुआ square पर है साथ ही एक पेयर इसके, इसके बीच में सारे में आपको जी एम वन एम टू बाई आर करना है और टोटल कर लेना है आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितना होगा ये चीज आपको अच्छे से पता चल जाएगी क्लियर है मेरी बात बेटे ओके okay. नाउ अब क्या कर सकते हैं हम बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी आप जैसे कि देखो बेटा अगर अर्थ पर कोई चीज रखा हुआ है तो वो अर्थ पर ही रखा हुआ है आप उसको थोड़ा सा फेंक दो ऊपर उछाल दो तो वो वापस से अर्थ पे ही आ जाता है ऐसा क्यों होता है वो क्यों, क्यों नहीं छोड़ के चला जाता है क्योंकि है ना क्योंकि वो चीज जो है वो अर्थ से बाउंडेड है एक एनर्जी लग रही है जो उसको अर्थ से ग्राउंड से बाउंड करके रखा हुआ है अगर उसको उतनी एनर्जी मिल जाए तब फिर वो अर्थ पर दोबारा वापस नहीं आएगा ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है तो बेटे अगर मान लो ये हमारा अर्थ है अर्थ है तो यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं या तो इस पर बॉडी रखी हुई है और या फिर बॉडी चल रही है अगर बॉडी रखी हुई है kept, है ना बॉडी कैप्ट है तो इस सिचुएशन में इसके पास क्या होगा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा है ना अगर ये डिस्टेंस आर है इसका अर्थ का मास कैपिटल एम और इसका मास स्मॉल एम है तो कितना हो जाएगा बेटा वी इक्वल्स सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर दिस पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी है नहीं क्योंकि रेस्ट में है काइनेटिक एनर्जी क्या है जीरो क्योंकि एट रेस्ट है तो इस सिचुएशन में टोटल एनर्जी कितना हो जा रहा है टोटल एनर्जी जो है वो हो जा रहा है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ठीक है तो देखो इसका जो टोटल एनर्जी है क्या शो कर रहा है वो नेगेटिव है है ना टोटल एनर्जी क्या है शो कर रहा है नेगेटिव है ये नेगेटिव शो करता है कि वो बाउंडेड है नेगेटिव साइन शो करता है कि वो बाउंडेड है फ्री नहीं है आ रही बात समझ में तो इसका बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री उस बॉडी को अगर हमें इस अर्थ से फ्री कराना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो आप उसको फ्री तभी करा सकते हो बेटा जब वो निगेटिव नहीं रहेगा निगेटिव नहीं रहेगा कब जब तक कि एटलीस्ट जीरो ना हो जाए तो जीरो करने के लिए आपको इतना ही क्या करना पड़ेगा एड करना पड़ेगा तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू तो फ्री फ्रॉम इट्स ग्रेविटी ग्रेविटी से फ्री करने के लिए जो भी एनर्जी लगेगा तो यहाँ पर जो आपका बाइंडिंग एनर्जी है वो हो जाता है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय स्म जो भी है कैपिटल आर ठीक है बस ध्यान यही रखना है बेटा कि आपको वहां पर बॉडी रेस्ट में है अभी का जो सिचुएशन हमने लिया उसमें बॉडी क्या है रेस्ट में है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्या स्केप स्पीड स्केप स्पीड ठीक है या स्केप velocity, स्केप velocity. तो बेटे जैसा हमने बोला कि हर चीज जो है वो क्या है ग्राउंड से बाउंडेड है लेकिन आप जानते हो कि कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको हम बाहर फेंकते हैं वो दोबारा वापस नहीं आता है जैसे कि रॉकेट वगैरह है ना एक बार फेंक दिया तो वो वापस नहीं आता है ना तो आप किसी चीज को इतनी स्पीड से फेंको जिससे कि वो उसके पास इतनी स्पीड आ जाए कि वो हमारे ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए और वो दोबारा फिर से वापस ना आए मतलब वो हमारे फील्ड को छोड़ के भाग गया स्केप कर गया ठीक है इसलिए इसको क्या नाम कहा गया है स्केप वेलोसिटी कहा गया है तो बेसिकली स्केप करने के लिए जैसा कि अभी हमने बोला कि उसको क्या होना पड़ेगा उसको जो है अर्थ के जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको पार करना पड़ेगा ठीक है तो लाइक कि हमारा ये अर्थ है यहाँ पर हमने एक बॉडी रखी ठीक है तो इसके पास क्या है एक तो पोटेंशियल एनर्जी है श्योर है ना कैपिटल आर तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर इतना क्या है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है अब आप ये अपने आप तो जाएगा नहीं इसको कुछ स्पीड देना पड़ेगा मान लो हमने स्पीड दिया वीई तो कितनी एनर्जी आ गई बेटा हाफ एम स्क्वायर। इतना क्या हो गया उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया तो यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना हो गया इतना हो गया अब इसको क्या करना है जाना है कहाँ जाना है ग्रेविटी को पार करना है ठीक है ग्रेविटी को कहा क्या होना है पार करना है तो जब ग्रेविटी को पार कर जाएगा बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि फील्ड के कारण ही ही तो तो पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी 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 था ना अब अब इसके फील्ड को ही पार कर गया तो अब यहां पर क्या हो जाएगा जीरो काइनेटिक हमारा काम क्या है हमको उतना ही एनर्जी देना है कि बस ये किसी तरीके से यहाँ पहुंच जाए इसके बाद वो जिये मरे हमें कुछ नहीं करना है ठीक है तो इसको यहाँ तक पहुंचाना है भले इसके बाद इसकी स्पीड जीरो हो जाए तो हम हमको चूंकि मिनिमम निकालना है तो ये हम वहां पर ले जाकर के जीरो तक हो जाए तो भी मेरा काम चलेगा तो 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 क्या क्या हो तो हो तो हो जा जा रहा 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 बेटा बेटा ये ये हमारा होना चाहिए से का तब है बात जब हम इसको ग्राउंड से फेंक रहे हैं हम चाहे तो इसको कुछ हाइट से भी फेंक सकते हैं जब हम कुछ हाइट से फेंकेंगे तो ये आर जो है आर प्लस एच हो जाएगा तो हम अभी ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो देखो ये स्मॉल

जी होता है तो ये कितना आ जा रहा है स्क्वायर रूट टू आर जी हो जा रहा है तो स्पीड को दूसरे तरीके 6, 6 जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल फाइंड इलेवन पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर सेकेंड तो स्केप स्पीड जो ग्राउंड का है वो ऑलमोस्ट कितना होता है इलेवन पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर सेकेंड होता है डज दैट मीन कि आप अगर किसी चीज को इतने स्पीड से फेंक देते हो 11.6 किलोमीटर पर से, तो ये कभी भी रिटर्न नहीं होगा. Never returns. ठीक है? Never returns. आगे बात समझ में दूसरी चीज देखो कि यहाँ पर जो कैपिटल एम है कैपिटल आर है ये क्या है उस प्लानेट का मास और रेडियस है है ना उस प्लान का मास और रेडियस है तो जिस किसी भी प्लानेट पर हो है ना जिस किसी भी प्लानिट पर हो वहां का मास और रेडियस क्या है आ, लेना पड़ेगा आपको तो दैट मीन्स की अलग अलग प्लानिट पर जो ये है क्या बोलते हैं एस्केप स्पीड है वो क्या होगा अलग अलग होगा ठीक है तो किस किस चीज पर डिपेंड करता है हम वो बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग Escape velocity, ठीक है बेटे तो पहला हो गया planet है ना अदर अलग अलग planet के लिए अलग अलग होगा दूसरा हाइट ऑफ प्रोजेक्शन एच ई आई जी एच टी हाइट ऑफ प्रोजेक्शन जैसे हमने जो अभी लिया वो कहाँ से लिया ग्राउंड से है ना ग्राउंड से लिया अगर हमको ग्राउंड से कुछ ऊपर ले जाकर के वहां से फेंका तो फिर हमें शायद थोड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी है ना क्योंकि हमको फिर अब काफी पास ही जाना है नहीं ये अगर बाउंड्री है तो यहाँ से फेंकना था यहाँ से यहाँ जाना था ज्यादा एनर्जी लगानी थी यहाँ से यहाँ जाना है तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी तो हाइट ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है ठीक है तो प्लानिट पर हाइट ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है प्लस आप देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है तीसरा डज नॉट डिपेंड ऑन डज नॉट डिपेंड ऑन हाइट ऑफ प्रोजेक्शन हाइट ऑफ सॉरी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है हाँ लेकिन जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो क्या होता है बेटा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो तो आप भी अपने उसको क्या करो वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में फेंको तो वो क्या होगा इजीली चला जाएगा ठीक है तो इट शुड बी थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ ठीक है, ये हो गया पांचवा आप देखो जो फॉर्मूला आया था वीई e का अंडर रूट टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर है ना ये तो कांस्टेंट ही हो गया मास ऑफ प्लान और रेडियस ऑफ प्लान जो जिस बॉडी को आपको प्रोजेक्ट करना है उसका मास तो इसमें इंक्लूड ही नहीं है दैट मींस कि स्केप स्पीड जो है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता हर बॉडी के लिए वो क्या होगा उतना ही होगा है ना तो इट डज नॉट डिपेंड ड नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी मास ऑफ बॉडी सिर्फ प्लानिट के मास और रेडियस पर डिपेंड करता है बॉडी के उस पर डिपेंड नहीं करता है तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्केप स्पीड को डिसाइड करते हैं ठीक है आगे बढ़ते बेटा बात करते हैं स्केप एनर्जी स्केप एनर्जी ठीक है तो अगेन आपको नाम से ही समझ में आता है आपको जितनी एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए भागने के लिए तो आपको भागने के लिए कौन कितनी एनर्जी चाहिए बेटा तो आपने देखा कि आपको भी हाफ तो एम का इतना आपको क्या चाहिए का, आ, काइनेटिक एनर्जी चाहिए भागने के लिए ठीक है तो ये हो गया आपका स्केप एनर्जी तो हाफ एम और वी अभी आपने निकाला स्क्वायर रूट टू जी एम बाय आर का स्क्वायर तो जब आप ये करोगे तो रूट uh, गायब हो जाएगा बेटा टू टू कैंसिल हो जाएगा तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा आर हो जाएगा दिस इज स्केप एनर्जी स्केप एनर्जी हो गया बेटा ठीक है आरी बात समझ में अब देखो बेटे अगर हमें बात करनी है कि आपको पता है कि जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लानट और सन इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके अलावा उसके अलावा एक सैटेलाइट भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है तो सैटेलाइट सैटेलाइट क्या होता है आप सभी को पता है जो सै, जो प्लैनेट्स के अराउंड घूमता है वो सैटेलाइट होता है सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और क्या बोलते हैं है? मैनमेड मैनमेड भी हो सकते हैं एंड क्या बोलते हैं नेचुरल भी हो सकते हैं जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून अब जैसा जैसा बिहेवियर सन के अराउंड प्लानिट का है वैसा ही सेम बिहेवियर प्लानिट के अराउंड मून का है जो जो रूल्स रेगुलेशन के प्लस के तीनों लॉ सन के अराउंड प्लैनेट्स फॉलो करते हैं वैसे ही मून अर्थ मून जो है अर्थ के अराउंड फॉलो करता है या फिर आप कह सकते हो कि प्लानिट के अराउंड सैटेलाइट फॉलो करता है ठीक है तो ये रही कहानी सैटेलाइट की तो अगर हम बात करें बेटा कि सेटेलाइट जनरली क्या होता है ऑर्बिट में घूमता रहता है जैसा मैंने बोला कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के चारों तरफ क्या होगा अर्थ के चारों तरफ क्या होगा मून घूमेगा है ना इस तरीके से ऑर्बिट uh, में हाइलिप्टल ऑर्बिट में इस तरीके से घूमेगा आरी बात समझ में तो अब जब घूमेगा तो बेटा उसके एक ऑर्बिट होती है और ऑर्बिट में जिस स्पीड से घूमेगा उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड ऑर्बिटल स्पीड सारी बात समझ में ठीक है तो क्या होता है ये ऑर्बिटल स्पीड लेट्स टॉक अबाउट तो ऑर्बिटल स्पीड जो होता है ऑर्बिटल स्पीड द स्पीड विथ विच इट रोटेट्स इन इन इट्स ऑर्बिट ठीक है तो बेटा ये आपका अर्थ है मान लो मास कैपिटल एम है और इसके चारों तरफ वो सैटेलाइट घूम रहा है ठीक है तो आपको पता है बेटा कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसको क्या चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कौन देगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस का स्क्वायर अगर हम ये मान के चलें कि सन के सॉरी मतलब प्लानिट और जो ये है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक है मतलब कम हाइट पे घूम रहा है तो हम अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर ले सकते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाए ठीक है आपको पता है इस और ये मान लो घूम रहा है 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 है? से? तो तो आपको पता है बेटा, है? है ना force किसके बराबर होता ये, ये तो ये ये और ये, और ये, कैंसिल हो जाता है वी ऑर्बाइटल क्या आ रहा है आपका देखो स्क्वायर रूट जी कैपिटल एम R। आर अगर हाइट पे रहेगा बेटा तो आर के साथ क्या आ जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा ठीक है अब वी ऑर्बिटल बाइटल स्क्वायर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर है ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो ये वाला चीज जी एम बाय आर स्क्वायर हो जाएगा यानी स्मॉल जी हो जाएगा तो ये देखो क्या हो गया आर जी हो गया ऑर्बिटल स्पीड स्क्वायर रूट आर जी हो जाता है तो आपने क्या देखा बेटा स्केप स्पीड कितना था स्क्वायर रूट टू और ऑर्बेटल स्पीड कितना आया है स्क्वायर रूट आर जी तो आप अभी भी देख रहे हो कि स्केप स्पीड से ये कम है इसलिए वो घूमेगा जरूर लेकिन वो भाग नहीं सकता है ना क्योंकि भागने के लिए क्या चाहिए अभी भी रूट टू टाइम्स चाहिए अगर हमें इनका रेशियो चाहिए वी और वी ओ का तो क्या हो जाएगा बेटा रूट टू टाइम्स क्लियरली दिख रहा है ठीक है ये हो गया आपका ऑर्बिटल स्पीड वेल अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को तो ऑर्बिटल स्पीड समझ में आ गया अपने को चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट ठीक है तो कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट तो बेटे इसके लिए आपको क्या करना है ये मान लो हमारा प्लानिट है और ये हमारा सैटेलाइट है स्मॉल एम और ये इनके बीच का डिस्टेंस है तो आपने अभी अभी देखा कि ये किस स्पीड से घूमता है और बैटल स्पीड से घूमता है अगर क्लोज टू अर्थ है तो क्या होगा बेटा कैपिटल जी एम बाय आर होगा और अगर कुछ हाइट पे है तो आर क्या हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा तो ये आर प्लस एच हो जाएगा सिंप, आ, या फिर कैपिटल जी एम बाय स्मॉल आर लिखो जिसमें स्मॉल आर क्या है आर प्लस एच के बराबर है बेटा ये चीज घूमेगा तो बताओ ये जब घूमेगा तो एक साइकिल में कितना डिस्टेंस चलेगा टू पाई आर डिस्टेंस चलेगा और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम पीरियड होता है टाइम तो पीरियड हो गया टू पाई आर बाय वी नॉट तो टू पाई आर बाय वी नॉट देखो कितना है स्क्वायर रूट जी बाय स्मॉल आर ठीक है अगर आपने इन सारी चीजों को अंदर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा आर क्यूब हो जाएगा अपॉन जी एम, ये टाइम पीरियड आया तो टाइम पीरियड जो आपका निकल कर आ रहा है फॉर्मूला टू पाई स्क्वायर रूट आर क्यूब बाय जी आ रहा है ठीक है अब अगर मैंने इसको दोनों साइड से स्क्वेयरिंग कर दी तो ये हो जाएगा t स्क्वायर ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब और gm ठीक है बेटा तो यहीं से देखो t स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है r क्यूब के t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब जो आपका आ, थर्ड लॉ था केपलर का कि के टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है क्यूबिक क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस ये यहां पे प्रूव होता है ठीक है तो टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है जो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस के ठीक है ध्यान रहे अब देखो बात करते हैं हम लोग सैटेलाइट की एनर्जी की एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एनर्जी ऑफ सैटेलाइट तो मान लो बेटा ये हमारा प्लानिट है ठीक है और ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें घूम रहा है ठीक है तो अगर ये आर है और ये एच है तो आप इसके रेडियस को आर प्लस एच लिख सकते हो ठीक है तो आपको पता है यहाँ पर दो चीजें होंगी है ना पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर और काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि ये यह यहाँ पे क्या होगा रोटेट होगा ना रिवॉल्व करेगा ऑर्बिटल स्पीड से तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा तो हाफ एम है ना ये कितना था जी एम बाय आर था तो क्या हो जाएगा जी एम बाय आर हो जाएगा ठीक है तो क्या आ रहा है देखो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय टू आर ये काइनेटिक एनर्जी आ रहा है जिसमें आर क्या है ध्यान रहे आर प्लस एच है तो इस तरीके से अगर आप इसको जोड़ो तो टोटल एनर्जी आ जाता है कितना कैपिटल स्मॉल अपॉन तो अब भी अब भी भी क्या देख देख रहे रहे हो हो बेटा कि इस सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है वो निगेटिव है है ना और जब तक ये निगेटिव है वो उस प्लानिट को छोड़ के नहीं जा सकता ये बाउंडेड है इसलिए सैटेलाइट लगातार उसी में उस अपने ऑर्बिट में घूमते रहता है लगातार न? तो ये हो गया इसका टोटल एनर्जी अब अगर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखो तो टोटल एनर्जी देखो क्या दिख रहा है आपको इसका आधा दिख रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है और काइनेटिक एनर्जी का देखो क्या है माइनस टाइम्स है तो इक्वल टू क्या होता है माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ठीक है ये रिलेशन होता है क्या मतलब हुआ इसका इसमें से किसी भी एक चीज का हमें मिल जाए तो बाकी चीजों का हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आरी बात समझ में अब देखो बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट तो इसमें क्या है बेटा तो आपने देखा टोटल एनर्जी कितना है इसके पास माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 आर माइनस है नेगेटिव है बाउंडेड है इतने से बाउंडेड है अगर मुझे इसको फ्री कराना है तो कम से कम इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो बाइंडिंग एनर्जी इसका क्या हो जाता है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर इतनी एनर्जी दे दोगे तो फिर वो जो सैटेलाइट है उसको छोड़ के चला जाएगा आधी बात समझ में क्लियर है अब देखो जो मैंने बोला कि सैटेलाइट क्या है दो तरह के होते हैं है, है ना आर्टिफिशियल और नेचुरल तो नेचुरल तो ऑलरेडी वो वहां पे है है ना लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है जो मैनमेड होता है उसको हमें वहां पहुंचाना पड़ता है ठीक है उसे हमें वहां पहुंचाना पड़ता है तो जो मैनमेड सेटेलाइट है आर्टिफिशियल सेटेलाइट है वो उसको लॉन्च करना पड़ता है और ये दो तरह के होते हैं एक को कहते हैं जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक को कहते हैं पोलर सैटेलाइट ठीक है सैटेलाइट सैटेलाइट एंड पोलर सेटलाइट. हमें इनको क्या करना होता है लॉन्च करना पड़ता है ठीक है अब देखो जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है जियो मतलब होता है अर्थ स्टेशनरी मतलब रेस्ट ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पर रेस्ट में नजर आते हैं वो जियो स्टेशनरी कहलाते है. तो क्यों ये रेस्ट में नजर आते हैं क्योंकि ये अर्थ के साथ साथ घूमते हैं अर्थ ऐसे घूम रहा है सॉरी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है ऐसे घूम रहा है तो वो सैटेलाइट भी क्या हो रहा है इस तरीके से घूम रहा है ठीक है तो दोनों चूंकि साथ साथ घूम रहे हैं इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा इसकी भी एंगुलर स्पीड क्या है वही है दोनों एक साथ घूम रहे हैं एक साथ स्पीड से घूम रहे हैं रिलेटिव स्पीड नहीं है तो ऑब्वियसली रेस्ट में नजर आएगा एक चक्कर घूमने में इसको जितना समय लगता है उतना ही समय इसको भी एक चक्कर घूमने में लगता है तो वो क्या होगा ऑब्वियसली अर्थ से देखने पर रेस्ट में नजर आएगा तो जैसा कि आपको पता है अर्थ का रोटेशन टाइम कितना है 24 फोर आवर है तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का भी है ना टाइम पीरियड क्या होना चाहिए 24 फोर आवर होना चाहिए ठीक है तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 फोर आवर होता है ठीक है तो ऐसे सैटेलाइट को आपको लॉन्च करना है लॉन्च करने करने पर जो आपको ये ऑर्बिट में पहुंचेगा, इसका जो ऑर्बिट होगा वहां पहुंचने के लिए आ, कितना हाइट चलना पड़ेगा अगर आप ये निकालना चाहो तो आपके पास फॉर्मूला है टी स्क्वायर इक्वल्स टू अभी आपने निकाला था पूरा ऐसा आर क्यूब करके जिसमें आर क्या था बेटा आर प्लस एच का r+h था r+h का क्यूब तो आई थिंक ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm था तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो रख सकते हो और टाइम पीरियड आपको पता है कितना होना चाहिए 24 आवर होना चाहिए तो यहाँ सारा चीज रख करके जब आप ये h कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 36000 किलोमीटर ठीक है कहां से सरफेस से सरफेस से ये हाइट कितनी है थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर तो अगर सेंटर से लेना होगा तो इस थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर के साथ में अर्थ का जो रेडियस है उसको ऐड करना पड़ेगा जो कि सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर होता है तो ये कितना हो जाएगा फोर टू फोर डबल जीरो किलोमीटर 42400 किलोमीटर हो जाएगा तो अगर सरफेस से पूछे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का वो कितना होता है तो बोलोगे 36000 किलोमीटर और सेंटर से बोलेगा तो क्या बोलोगे 6400 किलोमीटर ये हुआ बात जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की ठीक है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट करता क्या है जितने भी कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का ठीक है प्लस जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वगैरह जो है वो सब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पर काम करते हैं प्लस आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि भाई अगर है, अर्थ है कंप्लीटली कवर करने के लिए कितने जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की है? तो हमेशा याद रखना तीन क्योंकि एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो है वो कम से कम 120 डिग्री को कवर कर लेता है ठीक है इसको भी चाहिए क्या ये भी 120 डिग्री को कवर कर लेगा ये भी क्या करेगा तो ये पूरा फिर कवर हो जाएगा तो एटलीस्ट थ्री तीन जो है जो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए ताकि आप पूरे अर्थ को कवर कर सको ठीक है तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल जियो स्टेशनरी सेटेलाइट तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है ना अगर ये अर्थ है तो वो ऐसे ऐसे घूमता है किसके आ, क्या बोलते हैं इक्वेटर के पैरलली ठीक है ओके कहाँ पर घूमता है भाई तो सरफेस से छत्तीस हजार किलोमीटर और सेंटर से बयालीस हजार चार सौ किलोमीटर पे कितना टाइम पीरियड होता है ट्वेंटी फोर आवर होता है किस डायरेक्शन में घूमता है वेस्ट टू ईस्ट ठीक है किस डायरेक्शन में घूमता है वेस्ट टू ईस्ट घूमता है तो ये सारी बातें हो गई जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अब बात करते हैं पोलर सैटेलाइट की पोलर सैटेलाइट क्या होता है अगर ये हमारा अर्थ है तो आपको पता है इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है अगर कोई सेटेलाइट जो है इसके ऐसे पोलर ऑर्बिट में घूमता है तो इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट ठीक है पोलर सैटेलाइट अब आपको पता है बेटा ये जो सैटेलाइट है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और साथ में क्या हो रहा है हमारा जो अर्थ है वो भी घूम रहा है तो क्या होता है ये दिन भर इसकी फोटो लेते रहता है हर समय ठीक है तो पोलर सैटेलाइट जो होता है वो उसका यूज हम लोग करते हैं पोलर सैटेलाइट ये चूंकि हर समय देखते रहते हैं ना तो इससे हम लोग वेदर फोरकास्ट है ना वेदर फोरकास्ट में यूज करते हैं इसको ठीक है इसलिए वेदर फोरकास्ट के लिए और भी बहुत सारे पर्पज हैं इसके क्लियर तो ये हो गया आपका सेटेलाइट क्लियर है तो इस तरीके से बेटा मोटे मोटे तौर पर एक क्विक रिविजन रहा आपका आ, ग्रेविटेशन का ओके